जय हिंद। आज हम लोग भौतिकी की क्लास में भौतिकी के एक टॉपिक टिंडल प्रभाव की व्याख्या करेंगे कि टिंडल प्रभाव है क्या। तो इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने कोलाइडी विलयन के बारे में चर्चा किया था। तो हम कोलाइडी विलयन के उदाहरण जैसे दूध, धुआं, कुहासा आदि, ये सभी क्या है? ये सभी प्राकृतिक रूप से कोलाइडी विलयन है। तो अब हम जान लेते हैं कि ये टिंडल प्रभाव क्या है, कि या लिख लेते हैं, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कोलाइड कण के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना टिंडल प्रभाव कहलाता है। टिंडल प्रभाव है क्या? कि किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कोलाइड के कण के द्वारा जब प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना संपादित होती है, तो इसी घटना को हम लोगों ने टिंडल प्रभाव कहा। अब ये प्रायोगिक घटना, इस प्रायोगिक घटना को यानी कोलाइडी विलयन के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना को सबसे पहले हमारे भौतिक शास्त्री टिंडल महोदय ने प्रायोगिक रूप में सब सबों के सामने प्रस्तुत किया। इसलिए हम लोग इस भौतिक सैद्धांतिक स्थिति को टिंडल प्रभाव के नाम से व्यक्त किया। अब हम लोग दूसरे टॉपिक टिंडल प्रकीर्णन की व्याख्या करेंगे। तो टिंडल प्रकीर्णन है क्या? कि सबसे पहले टिंडल महोदय ने टिंडल प्रभाव को देखा कि कोलाइडी विलयन से होकर यदि कोई प्रकाश की किरण गुजरती है तो वो प्रकीर्णित हो जाती है। इस घटना को हमने क्या कह लिया? टिंडल प्रभाव। टिंडल महोदय ने अपने प्रेक्षित प्रयोग देखा कि जब प्रकाश की किरणें किसी कोलाइडी विलयन से होकर गुजरती हैं, तो गुजरने के क्रम में अपने संचरण पथ के लंबवत प्रकाश की किरणों को प्रकीर्णित करती हैं, यानी प्रकाश की किरण के संचरण पथ के लंबवत प्रकाश किरणों को प्रकीर्णित करती हैं। और इस प्रकीर्णित प्रकाश में हमें सबसे पहले कौन सा रंग? नीला रंग दिखाई देता है। कि प्रकीर्णित प्रकाश में सबसे पहले नीला रंग दिखाई देता है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना
छोटे तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश का सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है, कि जब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तो उसमें जिस प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जितना छोटा होगा उसका प्रकीर्णन उतना ज्यादा होगा। तो यदि हम स्पेक्ट्रम में देखें तो सात रंग की पट्टी में सबसे नीचे की पट्टी में बैंगनी रंग ना, बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य क्या है, सबसे कम, और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक। तो इसका मतलब है कि प्रकीर्णन की घटना होगी और सबसे ज्यादा प्रकीर्णित प्रकाश कौन होगा, बैंगनी रंग। लेकिन प्रकीर्णन की घटना में हमें बैंगनी रंग यहां स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, क्योंकि बैंगनी रंग की तीव्रता क्या होती है, कम होती है। बैंगनी रंग की तीव्रता कम होती है और बैंगनी रंग मानव नेत्र के लिए ज्यादा संवेदनशील नहीं होता है। तो इन दोनों कारणों से जब प्रकीर्णन की घटना कोलाइडी विलयन के कण के द्वारा प्रकीर्णन की घटना होती है तो सबसे पहले हमें नीले रंग का प्रकाश दिखाई देता है। तो इस नीले रंग के प्रकाश की तीव्रता इस लायक होती है कि ताकि हम लोग स्पष्ट रूप से देख पाए, और ये भौतिक रूप से ये घटना होती रहती है, हम लोग इस घटना को संपादित नहीं करते हैं, ये प्राकृतिक रूप से ऐसी घटना होती है। तो हम लोग नीले प्रकाश को देख पाते हैं, बैंगनी रंग के प्रकाश को नहीं, जबकि बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, लेकिन इसकी तीव्रता कम होती है और हमारी आंखें बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए कम संवेदनशील होती है। इन घटनाओं को टिंडन महोदय ने देखा, उसके बाद उन्होंने देखा कि जब वायुमंडलीय कण से सूर्य के प्रकाश की किरणें आती रहती हैं तो उसमें नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा हुआ, और ज्यों-ज्यों कण का आकार बड़ा होता जाता है तो प्रकीर्णित प्रकाश का रंग क्या हो जाता है, श्वेत होता जाता है। प्रकीर्णित प्रकाश का रंग श्वेत होता जाता है। इस बात को भी उन्होंने देखा कि कण का आकार, यदि वायुमंडलीय कण का आकार बढ़ता जा रहा है तो प्रकीर्णित प्रकाश का रंग श्वेत हो गया। और उसके बाद उन्होंने तीसरी घटना को होते देखा कि ये जो सूर्य की प्रकाश की किरणें जो गमन करती हुई आ रही थी वो क्या थी, औद्ध्रुविक प्रकाश थी। औद्ध्रुविक प्रकाश के रूप में थी, लेकिन जब ये वायुमंडल के कण या किसी कोलाइडी विलयन में प्रकीर्णन की घटना कर चुकी होती है तो ये क्या हो जाती है, समतल ध्रुवित रूप में हो जाती है। तो ये नीले रंग की प्रकाश को उन्होंने समतल ध्रुवित फॉर्म में देखा। इस रूप में समतल ध्रुवित रूप में उन्होंने पाया। तो इस तरीके से ये सारे प्रभाव, इन सारी घटनाओं को उन्होंने प्रायोगिक रूप में जांच किया, परीक्षण किया, और इन सारे प्रभाव को ही हम लोग बोल देते हैं टिंडल प्रकीर्णन। तो इस तरीके से आज हमने टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रकीर्णन दोनों टॉपिक की व्याख्या कर दी। अब हम लोग तीसरे टॉपिक रेले के नियम, रेले के नियम की व्याख्या करेंगे। तो ये रेले के नियम की व्याख्या क्या है, तो रेले साहब भी एक भौतिक वैज्ञानिक थे और उन्होंने प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना पर गणितीय व्याख्या स्पष्ट रूप से प्रतिपादित की। कि जब वो देखें कि वायुमंडलीय कण प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना को संपादित करती है,
सूर्य के प्रकाश में मौजूद सभी रंग, सातों रंग अलग अलग तरंग दैर्घ्य के, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक और बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम, लेकिन प्रकीर्णन की घटना के वायुमंडल के कण के द्वारा सभी प्रकार के रंग के सभी प्रकार के रंग के प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना होती है। और उस घटना में उन्होंने देखा पाया कि एक गणितीय व्युत्पत्ति मिलती है। तो रेले साहब के नियम क्या थे? सूर्य के प्रकाश में मौजूद सभी रंग जिसका तरंग दैर्घ्य भिन्न भिन्न होता है, तो उन सभी रंग के प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता सभी रंग के प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता उसके तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात उसके तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या हम देखते हैं कि सूर्य के प्रकाश में कितने रंग? सात रंग है ना, सूर्य के प्रकाश में सात रंग, और उस सातों रंग के स्पेक्ट्रम को हम लोग बैजामी ह पी ना ला तो अब देखिए ये बैंगनी, मान लीजिए ये सातवें नंबर का सबसे नीचे स्पेक्ट्रम में सबसे नीचे का प्रकाश है और इसका तरंग दैर्घ्य मान लीजिए लैम्डा 7 जामुनी, लैम्डा 6 नीला, लैम्डा 5 हरा, लैम्डा 4 पीला, लैम्डा 3 नारंगी, लैम्डा 2 और लाल, लैम्डा 1। तो इसमें सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य का प्रकाश लैम्डा 1 लाल रंग का प्रकाश, लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक और बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे कम। लेकिन उन्होंने देखा कि वायुमंडल के कोलाइडिकम
इन सातों रंगों के प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं और प्रकीर्णन की घटना में इनके तरंग दैर्ध्य से इन सभी प्रकाश की तीव्रता का एक विशेष संबंध है। और वो संबंध क्या है कि सूर्य के प्रकाश में मौजूद सभी रंग जिसका तरंग दैर्ध्य लैम्डा भिन्न भिन्न होता है तो उन रंगों के प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, ये प्रत्येक रंग के प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, यदि प्रकाश की तीव्रता को आई से सूचित करें, I1, I7, I6, I5, I4, I3, I2 and I1, लाल रंग के प्रकाश की तीव्रता I1 और तरंग दैर्ध्य λ1। अब इस लाल रंग के प्रकाश के तीव्रता और तरंग दैर्ध्य के बीच संबंध है, फिर नारंगी रंग के तरंग दैर्ध्य और प्रकाश की तीव्रता के बीच संबंध है। तो उन्होंने इन सारे प्रकाश के सातों रंग के प्रकाश के तरंग दैर्ध्य और उसकी तीव्रता के मध्य संबंध देखा और वो संबंध हमेशा कॉन्स्टेंट रूप में था। तो वो कि वही कि प्रत्येक रंग के प्रकाश की तीव्रता उस रंग के प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती था। यही रेले साहब ने प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना को गणितीय रूप में एक्सप्लेन किया। इसलिए हम लोग इस नियम को रेले साहब के नियम के रूप में जानते हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि प्रकाश की तीव्रता व्युत्क्रमानुपाती वन बाय तरंग दैर्ध्य का चतुर्थ घात, यानी जिस प्रकाश का प्रकीर्णन कोलाइडीकरण कर रहा है उस प्रकाश की तीव्रता उस प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही रेले साहब का नियम था। तो फिर आगे के क्लास में आगे के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जय हिंद।